हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप। मैं जितेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के न्यू इंजन में किक क्यों नहीं दिया गया है। एंड दोस्तों, आपको मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाए तो आप किक से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ मोटर खराब हो जाए तो किक से स्टार्ट करते हैं। तो क्यों रॉयल एनफील्ड के जो नए इंजन है, मतलब जो अगर मीटियर की बात करें उसमें भी किक नहीं है, क्लासिक नेक्स्ट जेन में जो आने वाली है उसमें भी किक नहीं है, हिमालयन में भी किक नहीं है, जो 650 cc इंजन है इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी उनमें भी किक नहीं दिया गया है। तो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप जरूर देखिए। चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके टाइम टाइम आ सके। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो रॉयल एनफील्ड की टेक्निकल टीम में हैं। जब मैंने उनसे बात किया कि ये क्यों नहीं दिया गया है, रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक्स में नहीं आ रहा है, तो उनने दोस्तों कुछ वैलिड रीजन बताए और कुछ ऐसे लगा कि मुझे कि सिर्फ हाओबाजी है, तो ये भी मुझे लगा। तो उनमें क्या क्या रीज़न उन्होंने दिए वो बताता हूँ। पहले बताता हूँ कि दोस्तों, लोगों के एक्चुअली मेन डाउट ये आ रहा है कि किक ना सिर्फ कॉस्ट कटिंग की वजह से दिया। तो दोस्तों, सिर्फ कॉस्ट कटिंग रीज़न नहीं है। कॉस्ट कटिंग एक रीज़न हो सकता है, वैलिड है, उसमें भी मैं इग्नोर नहीं कर रहा, बट उसके पीछे कुछ और रीजन्स भी हैं। तो दोस्तों, वो क्या रीज़न है वो जानते हैं। जो मुझे वैलिड रीज़न लगा, पहला जो मुझे वैलिड रीज़न लगा वो ये है कि दोस्तों, जो BS6 बाइक हैं जिसमें भी फ्यूल इंजेक्टर बाइक हैं, उसमें विदाउट बैटरी चाहे आप किक मार लीजिए चाहे आप सेल्फ मार लीजिए वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि FI होता है, फ्यूल इंजेक्टर जो होता है, उसका ECU को 9 वोल्ट मिनिमम पावर तो चाहिए ही चाहिए, जिससे वो पंप जो है वो स्टार्ट हो एंड पंप जो है इंजेक्टर से जाए एंड बाइक जो है स्टार्ट हो। तो चाहे आपका किक हो चाहे आपका सेल्फ हो, बैटरी अगर लो हो गई है तो दोस्तों वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये मुझे लगा कि हाँ चलिए किक नहीं होने का, बट वो तो सेल्फ पे भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उनने ऐसा कहा कि प्रॉपर कंबशन जो है, प्रॉपर स्टार्ट जो है, अगर आप सेल्फ से लेते हैं और बैटरी भी है तो प्रॉपरली आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट होगी। तो ठीक है, मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद उनने जो रीज़न दिया कि कंफर्ट का, उनने बोला कि जब आप राइडिंग, जब आपकी बाइक में सेल्फ भी दिया हो किक भी दिया हो, तो दोस्तों मैक्सिमम राइडर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड किक जो है सालों साल जो है यूज़ नहीं आता है, उसकी वजह से किक जो है जाम हो जाता है, तो ये भी एक अलग खर्चा जो है राइडर को पड़ता है। तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगा, क्योंकि हर एक राइडर का अलग अलग राइडिंग स्टाइल होता है। कई लोग जो है फर्स्ट किक जो है वो फर्स्ट किक से स्टार्ट करते हैं, बाकी जो है सेल्फ स्टार्ट करते हैं, इस तरह का भी फॉलो करते हैं। फिर एक और रीज़न था जिसमें कि किक असेंबली के वजह से जो है सेल्फ स्टार्ट मोटर में जो है लोड पड़ता है, वो भी एक रीज़न दिया गया। तो वो भी उतना वैलिड रीज़न नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी 350 cc के UC इंजन में हम देख रहे हैं कि सेल्फ स्टार्ट जो है सालों साल चल जाता है। मेरे पास आई थिंक 4-5 ईयर्स से क्लासिक है एंड मुझे आज तक जो है सेल्फ की प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिली। अब दोस्तों, इसमें एक और रीज़न जो है वो दिया गया है कि हायर cc की बाइक, जैसे कि 650 cc, 410, 411 cc जो बाइक्स हैं, इंजन हैं, उनमें किक नहीं देने का रीज़न ये है कि उसमें किक बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड आपको मिलेगा एंड वो इतना इजीली जो है आप नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। नॉर्मल आदमी, मतलब जिसकी वेट जो है 50-60 kg के आसपास है, वो इजीली जो है किक जो है नहीं मार पाएगा। तो ये भी एक रीज़न दिया गया, हालांकि ये रीज़न 411 और जो 650 cc उनमें वैलिड हो सकता है, बट 350 cc को आपको मालूम है कि आजकल नॉर्मल बंदा भी जो है इजीली स्टार्ट कर देता है, कि उतना हार्ड लेवल का नहीं है। तो दोस्तों, उन्होंने एक और चीज़ मुझे ये बताई कि अगर आपकी बाइक है फ्यूल इंजेक्टर बाइक है और उसमें ऐसा सेल्फ स्टार्ट जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो कई लोग जो है किक प्रिफर करते हैं, तो किक से जो वो बाइक जो स्टार्ट होती है, बट उसका एक और तरीका जो है वो भी उन्होंने बताया कि जो किक असेंबली अगर नहीं दी हुई है तो आप जो है सेल्फ, अगर आपका बाइक का ख़राब हो भी गया है तो फ्यूल इंजेक्टर बाइक में आप बाइक स्टार्ट करके थोड़ा सा हल्का धक्का भी देंगे ना, पुश करेंगे, तो बाइक जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। अगर वही अगर वो किक असेंबली देते तो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लेंदी हो जाता। तो ये भी एक रीज़न जो है वो दिया गया था। तो दोस्तों, ये सारे रीज़न दिए गए थे, कुछ और छोटे मोटे रीजन्स भी दिए गए थे बट वो उतने वैलिड नहीं थे, इसलिए वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो टेक्निकल डिपार्टमेंट द्वारा जो है रॉयल एनफील्ड के उसके द्वारा जो है मुझे मिला गया था डिटेल। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि क्यों नहीं दिया गया है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे पहला रीज़न मुझे लगता है, फर्स्ट तो कॉस्ट कटिंग फॉर श्योर है, ठीक है, क्योंकि कंपनी जब बाइक बना रही होती है तो जगह देखते हैं। जैसे नाइट्रॉक्स जो है सस्पेंशन नहीं दिए गए, ठीक है, ये भी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग होता है। किक असेंबली जो है वो नहीं दिया गया, तो छोटे मोटे कॉस्ट कटिंग जो है कंपनी करती है। उसके बाद एक और वैलिड पॉइंट मुझे लगा, जो स्टार्टिंग में जो बोला गया था
कि दोस्तों अगर आपकी बैटरी लो हो गई है, डेड हो गई है, तो आप जो है बाइक किसी भी एंगल से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ भाई ये बात तो सही है। एंड एक और पॉइंट कहा गया था कि सेल्फ अगर दिया हुआ है सिर्फ और किक नहीं दिया हुआ है और सेल्फ मोटर बाई चांस ख़राब हो जाता है तो आप किस तरह से बाइक स्टार्ट करेंगे इजीली, फिर बाइक किक तो है नहीं। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि आप जो है पुश करके जो है हल्का सा पुश अगर आप बाइक करेंगे स्टार्ट कर दिया है तो बाइक जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बैटरी इस कंडीशन में सही होनी चाहिए, अगर बैटरी सही है तो आपकी बाइक फॉर श्योर स्टार्ट हो जाएगी और ईजिली स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑटो चोक सिस्टम दिया रहता है। एंड हल्के से पुश पे ही आपको पूरा एकदम धक्का मार के नहीं लेके जाना, हल्के से पुश पे ही जो है बाइक ईजिली जो है स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये रीज़न भी मुझे थोड़ा सा सही लगा कि हाँ भाई फ्यूल इंजेक्टर में जो है ये सब चीज़ें सही है। अब दोस्तों अगर ये स्पोर्ट्स बाइक होती है, रॉयल एनफील्ड होती, स्पोर्ट्स बाइक होती, तो स्पोर्ट्स बाइक की डिज़ाइन तो डिफरेंट होता है, तो इसके वजह से तो मान भी लेता है कि हाँ भाई इसमें किक नहीं दिया हुआ है क्योंकि लुक अच्छा नहीं लगेगा, एरोडायनेमिक, बहुत सारी चीज़ें हम सुन लेते हैं। बट रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जो हैं वो टूरिंग ट्रिपिंग के लिए आती हैं तो उनमें जो है किक होना चाहिए, टोटली मैं मानता हूँ। बट कुछ रीजंस के वजह से जो है नहीं दिया गया है। अब नए इंजन्स हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जा रही है, क्या पता इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो, टेक्निकल टीम जो बंदा है उसको नहीं मालूम हो, तो अभी तक मुझे वो डिटेल नहीं मिली है। क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, क्यों किक नहीं दिया जाता, आपको किक पसंद है नहीं पसंद है, वो सारी डिटेल जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर सकते हैं। लेट्स सी किसका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर मुझे वैलिड पॉइंट लगा उनमें से कोई भी तो एक नेक्स्ट वीडियो में जो है जरूर मैं उसको ऐड करूंगा। एंड यहां वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। बाय।